सच जरूरी है। नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे, गुड मॉर्निंग सुपर फास्ट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं सुबह की कुछ खास और कुछ हल्की फुल्की खबरें। इंडियन नेवी की ताकत बढ़ी, मंझगांव बंदरगाह से लॉन्च हुआ INS सूरत और INS उदयगिरी। रक्षा मंत्री बोले, हम पूरी दुनिया के लिए करेंगे वारशिप का निर्माण। पूरी तरह से मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट पर निर्मित योधपोत INS सूरत यार्ड 12707 और INS उदयगिरी यार्ड 12652 को मुंबई के मंझगांव बंदरगाह से लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए हैं। दोनों की लॉन्चिंग के बाद रक्षा मंत्री ने कहा, उदयगिरी और सूरत के सफल प्रशिक्षण के बाद इसमें कोई संदेह नहीं कि हम न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी जहाज निर्माण करेंगे। हम न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड का भी लक्ष्य रखेंगे। इससे पहले नेवी की ओर से बताया गया है कि इस वारशिप के लॉन्च के दिन देश स्वदेश युद्धपोत निर्माण की इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना का गवाह बनेगा। दोनों की युद्धपोत का डिजाइन नौसेना के नेवल डिजाइनर निदेशालय ने तैयार किया था। नागपुर ATS को बड़ी कामयाबी, RSS मुख्यालय की रेकी करने वाला संदिग्ध आतंकी जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार। जुलाई में आया था नागपुर। नागपुर स्थित संघ मुख्यालय की रेकी करने वाले संदिग्ध आतंकी को नागपुर की ATS टीम ने जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान रईस अहमद असदुल्ला शेख के रूप में हुई है। जांच में सामने आया है कि रईस आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर रहा था। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने आरोपी को एक अन्य मामले में जनवरी में गिरफ्तार किया था। प्रोडक्शन वारंट पर नागपुर ATS ने रईस अहमद को हिरासत में ले लिया और जल्द ही उसे नागपुर लाया जाएगा। शेख पिछले साल जुलाई महीने में नागपुर आया था और उसने हैंडओवर स्मृति भवन कैंपस व अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी की थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद नागपुर पुलिस ने संघ मुख्यालय की सुरक्षा कड़ी कर दी थी। एंडेवर मेमोरियल बिल्डिंग क्षेत्र में ड्रोन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। घूस का पैसा ऊपर तक जाता है, ED ने कहा। 2010 से ही IAS पूजा सिंगल सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा रही है पैसा। CM हेमंत सोरेन के खिलाफ माइनिंग लीज आउटन और सेल कंपनी से जुड़े उनके करीबियों के मामले पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी की ओर से पेश सील बंद लिफाफे को खोला गया। कोर्ट को ईडी के वकील तुषार मेहता ने बताया, 2010 में 16 FIR हुई थी। इसके बाद ईडी ने अपनी जांच में पाया कि करोड़ों रुपए पूजा सिंगल के पास है। उन्हें मिलने वाली रिश्वत की रकम सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों तक पहुंचाती थी। रिश्वत के पैसे को सेल कंपनी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी। जांच में कुछ लोगों ने यह स्वीकार किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग होती थी। एक व्यक्ति ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली कंपनियों की लिस्ट भी दिए। इसी के साथ खबरों को यहीं विराम देते हैं। तब तक देखते रहे MNS News Live, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।